नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रस्ट ने आज यहाँ पे उत्तराखंड सहायक अध्यापक यानी LT भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। टोटल दोस्तों इसमें 1544 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। बहुत सारे अभ्यर्थी काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे और फाइनली उत्तराखंड LT का विज्ञापन आज जारी हो चुका है। तो 14 मार्च 2024 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 22 मार्च 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अप्रैल 2024 और एग्जाम जो इसके होने की संभावना है वो है जुलाई 2024। अब इस समय दोस्तों एक और अपडेट ये है, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस समय सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, उस पर भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी हम पहले चर्चा करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पद कितने हैं। तो गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक के 786 रिक्त पद तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक LT के 758 रिक्त पदों अर्थात कुल 1544 रिक्त पदों पर LT के पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। अब हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का देखें तो इसमें देखो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा, देखो दो शाखा है, सामान्य शाखा और महिला शाखा। तो सामान्य शाखा में महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, महिला शाखा वो केवल वहां पे महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं। और 10% सीधी भर्ती वो विभागीय भर्ती है। तो अगर हम देखें सामान्य भर्ती 60% गढ़वाल के अंतर्गत, तो हिंदी के इसमें 93 पद हैं, अंग्रेजी के 81 पद हैं, संस्कृत के हैं 7 पद, गणित के इसमें 60 पद हैं और विज्ञान के हैं 112, सामान्य 93 हैं, व्यायाम के हैं 57, गृह विज्ञान के हैं 1 पद, वाणिज्य के हैं 10 पद और यहाँ पे कला के हैं 102 पद। यानी टोटल 616 पद। तो ये 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा गढ़वाल के अंतर्गत है। अब गढ़वाल के अंतर्गत महिला शाखा के कितने पद हैं, तो टोटल की बात करें अगर महिला शाखा के टोटल पद गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सीधी भर्ती में तो ये है 57। अब 10% सीधी भर्ती जो विभागीय भर्ती है इसमें सामान्य शाखा के जो टोटल पद हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत ये हैं 106। आप सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इस विज्ञापन में, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जरदारी क्लासेस टेलीग्राम का चैनल का नाम है, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुल योग 7 पद है इसमें, ठीक है। अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत देखें सामान्य शाखा के कितने पद हैं, तो हिंदी के 70 पद हैं, अंग्रेजी के 55 हैं, संस्कृत के 11 हैं, गणित के 77 हैं, विज्ञान के इसमें 79 पद हैं, सामान्य के 99, व्यायाम के हैं 39, गृह विज्ञान के 1 पद हैं, वाणिज्य के हैं इसमें 3 पद, संगीत के 3 पद हैं इसमें, 2 पद हैं उर्दू के, कला के 122। टोटल 561 ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती है तो सामान्य शाखा के पद हैं। महिला शाखा की बात करें कुमाऊं मंडल के अंतर्गत तो टोटल यहाँ पे 98 पद हैं। उसके बाद 10% सीधी भर्ती जो विभागीय भर्ती है उसमें सामान्य शाखा के जो टोटल पद हैं वो है 84 और महिला शाखा के हैं इसमें टोटल 15 पद। तो ये तो रिक्तियों का विवरण अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। आप इसका पूरा PDF एक बार जरूर देख लें कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको अप्लाई करना है उसमें कितने पोस्ट हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे और सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। अब यहाँ पे वेतनमान आप देखेंगे तो 44,900 से लेकर 1,42,400, क्योंकि लेवल 7 की ये भर्ती है। शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें, तो शैक्षिक अर्हता जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में CTET और UTET यानी TET आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, और BEd भी आपका क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, ये शारीरिक शिक्षा, सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा, इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें बीपीएड इसमें जरूरी है, स्नातक और बीपीएड। और एक इसमें कला का यहाँ पे नया अपडेट आया है, क्योंकि पिछली बार कला का जो ये भर्ती इतना जो इसमें इसमें वेट हुआ है, जो इतनी रुकी है भर्ती कला के कारण रुकी थी, तो कला के बारे में स्पष्ट आ चुका है कि विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग विषय में स्नातक
और किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड, तो कला में बीएड की उपाधि भी होना जरूरी है। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट है, ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है स्पष्ट रूप से कि अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटीएट 2 और सीटेट 2, तो टेट 2 इसमें यूटीएट 2 और सीटेट 2 दोनों आ गया, परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किंतु सारे शिक्षा के अध्यापकों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन के जो अभ्यर्थी हैं उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती। तो ये यहाँ पे योग्यता आप समझ गए होंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ये विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता मांगी गई है। इसमें क्या मांगी गई है, तो विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक संबंध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्य होंगे। तो ये सभी टीचर्स इसमें क्या है, जो विभागीय जो शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त शैक्षिक अर्हता की तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंध पूर्ण किए हो और तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो। अब यहाँ पे देखो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है, जो पाठ्यक्रम है, वो इस बार चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे लगभग 30 नंबर का इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति सीटी भी पूछी जाती थी और बाकी इसमें सब्जेक्ट पूछा जाता 70 नंबर का, तो टोटल 100 अंकों का एग्जाम होता था। लेकिन इस बार टोटल अंक तो 100 ही है और 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है। भाग 1 में क्या होगा, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, इसमें रीजनिंग संबंधी प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान, 50 अंकों का तो ये होगा। और अन्य जो 50 अंक हैं वो है जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। तो 50 अंक तो सब्जेक्ट ही होंगे, जिस विषय से आप अप्लाई करेंगे उस विषय से संबंधित 50 क्वेश्चन बनेंगे और 50 अंक 50 क्वेश्चन बनेंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति आ गई, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान। तो टोटल 100 अंकों का ये एग्जाम है। अभी नीचे इसका सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एज की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष, न्यूनतम 21 अधिकतम 42 वर्ष, निश्चित तिथि 1 जुलाई 2024। तो इस तिथि को 21 वर्ष से 42 वर्ष आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। शुल्क आपको कितना देना है, तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को ₹300 शुल्क पड़ेगा, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ₹150, दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹150, और जो अनाथ उन्हें कोई भी जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। यह है यहाँ पे सिलेबस, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT। तो इसमें जो पहला 50 अंकों का जो हम पार्ट 1 अगर हम देखें, तो पार्ट 1 में यह है एकेडमिक एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति, ये कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे ये शिक्षण अभिवृत्ति का क्या है, सिलेबस है 5, इसमें टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। और जो 50 अंकों में ये आ गया, ठीक है, एक जो शिक्षण अभिवृत्ति आ गई, दूसरा इसमें है आपका रीजनिंग और जनरल नॉलेज। तो रीजनिंग में ये है आगे नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन, मतलब सिंपल सिलेबस है दोस्तों रीजनिंग का, जो सामान्य पेपर में होता ही है। और यूनिट 2 में है यहाँ पे ये भी रीजनिंग का है, अल्फाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर अरेंजमेंट, सीरीज टेस्ट। और यूनिट 3 में आ गया जनरल नॉलेज, इसमें उत्तराखंड संबंधी थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन होंगे, बायोडाइवर्सिटी हो गया, पॉपुलेशन, और ये आ गया यहाँ पे प्राचीन मध्य और आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। तो ये तो उत्तराखंड संबंधी इसमें प्रश्न बनेंगे, और साथ में इंडियन स्टेट, परमानेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, मेन साइंटिफिक डिस्कवरी, जो मुख्य वैज्ञानिक खोज हुई हैं उन्हें संबंधी क्वेश्चन बनेंगे, एजुकेशन, नेशनल सिंबल, फेमस रिलीजन प्लेस। तो यहाँ पे पॉइंट भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये इस बार यूकेट प्रश्न ने अच्छा किया है कि सिलेबस पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो ये तो 50 नंबरों का सिलेबस है।
उसके बाद 50 नंबर जो कि सब्जेक्ट ही होंगे। अब प्रत्येक सब्जेक्ट का इस बार अच्छा ये हो रखा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। जैसे हिंदी का है तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, शब्द भेद, वाक्य विराम चिन्ह, पूरा डिटेल्स में प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए जरदारी क्लासेस, तो वहां से दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों LT का विज्ञापन, पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बाकी आपका कोई भी सवाल होता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।